तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो मेरे पास क्या दे रखा है आप लोगों को, दो लाइन के बीच का एंगल बताना है आपको। तो एक लाइन आपको दे रखी है 3x प्लस वाई रूट 3x, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये पहली लाइन दे रखी है, तो यहाँ में y इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3x रूट 3x प्लस में 1, तो ये हमारा y इज इक्वल्स टू, ये m1 हो जाएगा हमारा, सॉरी माइनस के साथ वाला m1 हो जाएगा ये, चलो मैं इसको पूरे को सही से लिख देता हूँ, ये हमारा m1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो m1 हमारा हो जाएगा रूट 3 माइनस का। ऐसे दूसरी लाइन दे रखी है आप लोगों को x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 1, तो इसको तो ले जाओ, तो रूट 3y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन में रूट 3 एक्स प्लस 1 अपॉन में रूट 3 डिवाइड कर दिया। तो m2 देखोगे तो आप क्या करोगे, तो m2 इज गिवन टू इज m/√3। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। नाउ m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू रूट 3 माइनस का इंटू में माइनस का 1/√3। अच्छा ये आ जाएगा, तो यस दोनों माइनस माइनस में है, तो हम लोग देख लेते, इसको काट देता हूँ, तो 1 आ गया। तो अगर ये माइनस 1 आ जाता तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाते, चलो कोई बात नहीं। तो टेन थीटा का एंगल क्या होता है दोनों के बीच में, m1 माइनस m2 1 अपॉन में, ऐसा कर लेता हूँ मैं इसको, और शॉर्टकट लूँ तो मैं, चलो कोई नहीं, 1 प्लस में m1 m2 का मोड। तो ये हमको दे रखा है रूट 3 माइनस का, ये हमको दे रखा है माइनस का 1/√3, तो प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, हमने निकाल लिया था m1 m2 को तो मल्टीप्लाई करके, तो ये 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो अब देखते हैं ज़रा क्या बनता है इसका, तो माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और तो माइनस का रूट थ्री माइनस 3, माइनस 3 में से बन गया तो माइनस 2, हाँ माइनस 2 अपॉन में रूट 3 अपॉन में 2, तो कट जाएगा, तो माइनस 1/√3 मोड में है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 हमारा कब होता है, 10 30 पर, तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन दीज टू लाइन इज 30 डिग्री, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है आप लोगों को देखो जरा, द लाइन थ्रू द पॉइंट h,3 और 4,1। देखो एक लाइन है, दोबारा कह रहा हूँ ये सारी फिगर्स रफ बन रही है हमारी, तो रफ मान रहे हम लोग h,3 4,1, ठीक है ना, एंड इंटरसेक्ट द लाइन एट राइट एंगल। इस पर ये राइट एंगल पर काट रही है इस लाइन पे, ठीक है। तो किस क्या लाइन है आपकी, 7x-9y-19=0। तो इसको अगर मैं 9y निकालता हूँ अकेला, तो 7x-19, तो y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 7/9-19/9, तो ये हमारा स्लोप क्या लाएगा। तो इस ml बोल रहे हैं हम इसको लाइन को, तो यस 7/9 इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, और हमारा जो स्लोप है रिक्वायर्ड लाइन का, m ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो हमारी है वो क्या होगी, y-y1 y2-y1 1-3 डिवाइडेड बाय 4-h, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, -2/4-h, माइनस कॉमन ले लोगे तो 2/h-4। अब इट इज गिवन दैट कि जो हमारी लाइन है और जो रिक्वायर्ड लाइन, जो हमारी गिवन लाइन है उसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, क्योंकि ये 90 पर है, तो हम ये कह सकते हैं। तो बताओ कितना आ गया था, 2/h-4 इंटू में ml दे रखा है 7/9 इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसको उधर ले जाते हैं हम लोग, और ये 7/14 हो जाएगा, और इसको उधर ले जाता हूँ तो 9 माइनस का 9h, ये माइनस इससे प्लस हो जाएगा 36, ठीक है 36 आ जाएगा। अब इसको उधर ले जाता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, तो 9h इज इक्वल्स टू 36 माइनस में 14, तो h की वैल्यू आ जाएगी अपनी 2/9, तो ये हमारा h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं हम लोग, क्या दे रखा है आप लोगों को,
प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट एक्स वन वाई वन, है ना, लाइन थ्रू द पॉइंट एक्स वन वाई वन आपको दे रखा है, ठीक है ना, एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, ये मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है, और वो पैरेलल है इस वाली लाइन के, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, तो मैं वाई बी वाई अकेला करता हूँ, यहाँ से एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ इसको, तो माइनस ए एक्स माइनस सी और वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए बाय बी एक्स माइनस सी बाय बी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से ये हमारा स्लोप है इस लाइन का, तो हमारा स्लोप भी क्लियर हो गया, तो जो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो हम कह सकते हैं स्लोप m इज इक्वल टू एम एल, इसको हम एम एल बोल रहे हैं, तो वो बराबर है आपका माइनस ए बाय बी, तो इक्वेशन इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन एम इज माइनस ए बाय बी एक्स माइनस एक्स वन, तो बी उधर ले जाओगे तो बी वाई माइनस वाई वन और ये ए वाली टर्म उधर ले जाता हूँ तो प्लस ए एक्स माइनस एक्स वन, तो यही हमें आंसर प्रूव करना था, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं फिर हम लोग, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 तो ईजी था, देख सकते हो आप लोग, तो अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट द एंगल ऑफ 60 इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, तो देखो जरा क्या दे रखा है, यस ये क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं इसको जरा थोड़ा कैलकुलेट करके, ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ दे रखा है, टू लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट दिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस, तो देखो क्या बोल रखा है कि दो लाइन है आपस में, दो 2, 3 पर वो इंटरसेक्ट कर रही है और उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 का है, थीटा। अगर एक लाइन का स्लोप m1 कह लो इसको 2 है तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा, और इक्वेशन भी देख लेंगे हम फिर हम लोग, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, मतलब स्लोप और अदर इक्वेशन भी बतानी है, तो पॉइंट तो दोनों के लिए कॉमन है, तो हम लोग कह सकते हैं m2 को मैं m कह रहा हूँ, तो क्या फार्मूला होता है, tan थीटा, क्योंकि थीटा गिवन है, तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 का मोड, तो हमारे पास tan 60 हो जाएगा, tan 60 इज रूट 3, ठीक है, तो m1 इज 2, 2 माइनस m 1 प्लस 2m और ये रूट 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस मोड हटाऊंगा तो प्लस माइनस, तो 2 माइनस m 1 प्लस 2m, तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं ये सारी चीज़, तो हमारी m की वैल्यू क्या आएगी, तो इसको उधर ले जाता हूँ मैं एक बार रूट 3 से सॉल्व कर लेता हूँ इस चीज़ को, और एक मैं माइनस रूट 3 से सॉल्व कर लेता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना इसको, तो इसको उधर ले जाता हूँ, तो रूट 3 प्लस 2 रूट 3 एम इज इक्वल टू 2 माइनस एम, तो m के टर्म उधर ले जाता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, तो m इज इक्वल टू 1 प्लस 2 रूट 3 और यस 2 माइनस रूट 3, तो m की वैल्यू एक तो आ जाएगी आपकी 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 1 प्लस 2 रूट 3, एक तो ये m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, दूसरी हमारी इससे आएगी, तो इसको देखते हैं हम लोग, तो कितना आ रहा, माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 3 एम इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस एम, ठीक है, तो इस m को उधर ले आता हूँ और इसको उधर ले जाता हूँ, तो कितना आ जाएगा, m कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 और ये 2 प्लस रूट 3, तो हमारे पास m आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 1 माइनस 2 रूट 3, ये दूसरा स्लोप हो गया, सो इक्वेशन इज, पहली इक्वेशन तो y माइनस वाई वन, तो ये रहा हमारा y1, ये रहा हमारा x1, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू पहला स्लोप ले लो 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 1 प्लस 2 रूट 3 x माइनस 2, है ना, x माइनस 2, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, एंड दूसरी इक्वेशन इज y माइनस 3 इज इक्वल टू ये वाला स्लोप हम लिख देंगे अब इसमें, तो 2 प्लस रूट 3 1 माइनस 2 रूट 3 एक्स माइनस 2, तो ये दो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, इनको आप सॉल्व कर लेना, ऐसे करना है आपको ये क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख रहे हैं, देखो क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3, 4 माइनस 1, 2, देखो क्वेश्चन को अच्छे से फील करते हैं हम लोग, कि हम लोगों को एक लाइन की इक्वेशन बतानी है,
क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। तो एक लाइन की इक्वेशन बतानी है, उस लाइन की इक्वेशन में पॉइंट दे रखा है 3.4 और -1.2 और इसका राइट बाईसेक्टर है, बाईसेक्टर मतलब बिल्कुल बीच से, तो बीच से मैंने एक राइट बाईसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। उसकी इक्वेशन हम लोगों को बतानी है, तो पहले तो मिड पॉइंट फार्मूला हम लगा देते हैं ताकि ये पॉइंट पता लग जाए। तो यस 3, प्लस -1/2 और हमारा आ गया 4 प्लस 2/2, तो ये हमारा इसका पॉइंट आ जाएगा। तो वो पॉइंट हमारा कितना आ गया, ये हो गया 2/2 1, तो 1, मैं यहाँ लिख देता हूँ और ये आ गया 6/3 हो गया। तो ये पॉइंट हमें पता लग गया। अब मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लेता हूँ जिसको मैं एम एल नाम दे रहा हूँ हर बार, तो 2 - 4 और -1 - 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, और हमारी लाइन का स्लोप मैं m मान लेता हूँ, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा इसका, -2/-4 - 1/2। तो हम लोग जानते हैं कि m इंटू में एम एल इज -1, क्यों, क्योंकि गिवन है, ये गिवन है कि ये राइट बाई सेक्टर है कि परपेंडिकुलर पे काट रहा है, तो इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा -1 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/ml, तो इसको -1/1/2 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा माइनस का, तो हमारे पास जो स्लोप आ जाएगा -2 और पॉइंट इज गिवन। तो m हमको दे रखा है -2 एंड पॉइंट इज 1.3, तो इक्वेशन इज y - y1 विच इज 3, m इज -2, x - x1 विच इज 1, तो आंसर इज y - 3 - 2x + 2, इसको उधर ले आओ उसको उधर ले आओ, तो 2x + y = 5, दिस इज द आंसर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 14 थोड़ा अच्छा है, 14 को हम देखते हैं बाद में, पहले 15 क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा है। तो 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx, एक मैं लाइन कंसिडर कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू mx + c, और उसने बोला है कि ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करा, ठीक है। तो ओरिजिन इज 0, 0 और ये परपेंडिकुलर है, और ये इस लाइन को किस पे काटता है, -1.2 पर काटता है, -1.2 पर ये इसको काट देता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, ये हमको बोला है कि करो, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ हमेशा ml, तो कितना हो जाएगा 2 - 0 - 1 - 0, तो -2 आ जाएगा। अब हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, राइट एंगल पे काट रहा है एकदम, तो मैं कह सकता हूँ m इंटू में एम एल इज गिवन टू यू इज -1, तो m इज इक्वल्स टू -1/ml, तो -1/-2, तो कट जाएगा, तो 1/2। तो इक्वेशन ऑफ, अब इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन क्या निकल जाएगी हमारा, पॉइंट इज गिवन -1.2 एंड स्लोप इज गिवन 1/2, तो y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, m तो वैसे भी निकल गया हमारा, अब c और निकालना था हमें, तो y - y1 इज गिवन टू यू इज 2 और m इज 1/2 x - x1, तो x - x1 इज -1, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, y = -1/2 + 1/2 x, और ये हो जाएगा प्लस का हाफ, और ये 2 उधर आएगा तो 2, तो इसको करोगे तो y = 1/2 x, और इसको करोगे तो 5/2, तो दिस इज सी हेयर, तो m इज हाफ और c इज 5/2, तो ये आप देख सकते हो।